हाय गाइस वेलकम बैक, माय नेम इज अरविंद। तो हाँ, ये वाला 5G फोन जो है वो मैंने बाय किया है 9 to 10,000 रुपीज में, जो रिसेंटली सेल चले थे उसमें। ये बड़ी स्ट्रेंज बात है कि इंडिया में एक 5G फोन वो भी स्नैपड्रैगन 768G के साथ इतनी कम प्राइस में कैसे मिल सकता है। वेल, उसके लिए मैंने कुछ जादुई तरकीबें अपनाई है, वो मैं आपको आगे चल के बताने वाला हूँ। लेकिन जिस प्राइस रेंज में मैंने इसको खरीदा है या फिर जिस प्राइस रेंज में ये आता है, वहाँ पे इसके बारे में बोलने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। हालांकि मैंने 5 पॉइंट बनाए हैं जो आपको बताएंगे कि ये फोन आपके लिए कितना बेस्ट हो सकता है और 4G और 5G के बीच में आप किस प्रकार डिफरेंशिएट कर सकते हो कि आपको 5G फोन खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए। वेल, आपको वीडियो थोड़ा सा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और इसी के साथ कर देना सब्सक्राइब अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट जो है ना, वो अपना फास्ट चार्जिंग एंड अनबॉक्सिंग से रिलेटेड है, जहाँ पे आपको फुल अनबॉक्सिंग तो नहीं दिखाने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पे आपको जो बॉक्स कंटेंट देखने को मिलते हैं वो आपको स्क्रीन के सामने दिख रहे हैं। एक डॉक्यूमेंटेशन देखने को मिलता है, सिम इंजेक्टर टूल देखने को मिलता है, इसी के साथ एक TPU केस है जिसकी क्वालिटी बहुत सही है, 66 वोल्ट की चार्जिंग ब्रिक है, USB टाइप सी टू टाइप ए केबल आपको देखने को मिलते हैं। ये फोन जो है वो 55 वोल्ट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। और अगर आपको पता नहीं हो कि 55 वोल्ट की चार्जिंग कितनी इनसेन अमाउंट में चार्जिंग देती है, तो मैं आपको ये एनिमेशन देखो आप, जिसमें आप मतलब काउंट भी नहीं कर पाओगे, इतना फास्टली तरीके से ये फोन को चार्ज करता है। जहां पे वीवो ने चार्जिंग ब्रिक बनाई है और IQO क्लेम करता है कि 19 मिनट्स में 0 to 50% चार्ज कर सकती है फोन को। और कमाल की चीज ये है कि कौन से कैपेसिटर से बना है पता नहीं, बट ये बिल्कुल भी गर्म नहीं होता है। और कमाल की चीज साथ में ये भी है कि ये फोन भी बिल्कुल गर्म नहीं होता है ड्यूरिंग चार्जिंग और ड्यूरिंग गेमिंग एज वेल। और अब हम सीधा जम करते हैं इसके लुक पे, जहां पे फ्रंट साइड में आपको ये वाटर ड्रॉप नोज देखने को मिलती है, जो काफी एक आउटडेटेड सी चीज है। और बैक में यहां पे आपको ये शाइनी प्लास्टिक बैग देखने को मिल रहा है, जिसमें डेफिनेटली आप अपना चेहरा भी देख सकते हो। ये बाकी सारे जो इंटरनल हार्डवेयर है ना, इसके बहुत ही कमाल के हैं, लेकिन लुक में जो चीप क्वालिटी का प्लास्टिक इन्होंने यूज किया ना, ये बिल्कुल भी इस चीज को जस्टिस नहीं देता है। इसके लिए मैंने सर्च आउट करना स्टार्ट किया और यहां पे मुझे मिली एक स्किन जो बेसिकली गेजर सिल्क की तरफ से आती है और इन्होंने इस वीडियो को स्पॉन्सर भी किया है। तो यहां पे मैं इसको अप्लाई करने वाला हूं, उसके बाद देखूंगा कि इसका लुक कैसे बन जाता है। मुझे लगता है कि हाँ, ये इसके साथ बहुत ही कमाल की लगेगी और जैसा इसका हार्डवेयर है उसके साथ इसका लुक भी कमाल का बन जाए ना, तो डेफिनेटली ये फोन बहुत किल कर देगा इस प्राइस रेंज में। तो इसको मैं खुद से अप्लाई करने वाला हूं, इसके लिए मैंने सारा सामान जुगाड़ के रखा है। इसको अप्लाई करने के बाद मैं मिलता हूं आपसे, आपको दिखाता हूं कि कैसा ये लगता है। सो फाइनली मैंने ये कर दिया, मेरी ये दूसरी स्किन थी और डेफिनेटली इनकी जो कटिंग होती है ना गेजर सिल्क के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, मैंने आज तक, क्योंकि मेरे आईफोन पे भी मैं इनकी स्किन यूज करता था, तो यहाँ पे ये बहुत ही कमाल तरीके से, कोई पहली बार भी करने बैठ रहा है ना तो वो भी इसकी कोडनिंग सब कुछ बहुत अच्छे से कर लेगा। दूसरी चीज, इसको लगाने के बाद इसके ऊपर जो मैट फिनिश आ रही है ना, वो बहुत ही कमाल का लुक दे रही है इसको। और जो इन हैंड फील है ना, वो तो डेफिनेटली काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। यहाँ पे उस प्लास्टिक के साथ ये तो बिल्कुल नहीं आने वाली थी। तो आप इसको चेकआउट करना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में देख रहा हूं, जहां पे डायरेक्टली जाके आप चेकआउट कर सकते हो अपने स्मार्टफोन के लिए, अपने लैपटॉप के लिए, अपने टैबलेट्स के लिए, अपने किसी भी गैजेट के लिए, जहां पे इनके स्क्रीन प्रोटेक्टर हैं, इनकी स्किन्स हैं और ये बहुत ही कमाल के होते हैं। और अभी हम जंप करते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे, और जो है इसका डिस्प्ले। यहाँ पे आपको 6.58 इंचेस का IPS LCD पैनल देखने को मिल रहा है और इसमें आपको 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट देखने को मिल रही है और 180 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट। डेफिनेटली आप इसको फील कर सकते हो, देखो कितना स्मूथ है ये। यहाँ पे IPS LCD के हिसाब से आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, इस प्राइस रेंज में एमोलेड हो सकता है और डेफिनेटली इस प्राइस रेंज में एमोलेड मिलता भी है, लेकिन इस IPS LCD के भी जो साइड से एंगल्स हैं, इसके जो कलर्स हैं, वो बिल्कुल भी आपको ऐसे नहीं लगेंगे कि कोई नॉर्मल IPS LCD पैनल है। तो बेस्ट क्लास आपको डिस्प्ले देखने को मिल रहा है, एटलीस्ट रिफ्रेश रेट में तो। और इसके साथ आपको 90.6% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिल रहा है, मतलब इसकी जो बेजल्स हैं, इसकी जो चिन है, वो बहुत ही कम है, जो आपको बहुत कमाल का एक्सपीरियंस देने वाली है। और उसके बाद कुछ स्पेशल फीचर्स, जहां पे आपको कैमरा टू API का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिसके चलते आप इसमें गूगल कैमरा यूज कर सकते हो। उसके बाद आपको 3.5mm का जैक देखने को मिल रहा है, जो गेमिंग में बहुत काम करने वाला है। यहां पे आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिल रहा है, दो 5G सिम
के साथ आप अपना मेमोरी कार्ड भी डाल सकते हो, और स्टार्ट ही होता है 6GB 128GB से, जहां पे 2GB RAM एक्सपेंड करने का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। मतलब आप बेस वेरिएंट भी इसका लोगे ना तो वो भी आपको 8GB के साथ देखने को मिलेगा, जो बहुत कमाल है। और इसके साथ कनेक्टिविटी जो है वो भी इसका एक प्लस पॉइंट है। वाईफाई 6 का सपोर्ट ये लेके आता है, ब्लूटूथ वर्जन 5.1 है, 5G इसमें देखने को मिलता है, हालांकि 5G के दो बैंड ही हैं। क्योंकि ये एक 5G फोन है, यहाँ पे आपको बेटर कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी, बेटर डाउनलोडिंग और अपलोडिंग स्पीड देखने को मिल रही है। और ये 5G फोन आता है Qualcomm की स्नैपड्रैगन 768G के साथ। ये इंडिया में आने वाला फर्स्ट फोन है जो स्नैपड्रैगन 768G के साथ आया था। यहाँ पे 2.8GHz क्लॉक्ड है, और इसकी जो गेमिंग परफॉर्मेंस है ना वो डेफिनेटली किल करने वाली है। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। यहाँ पे आपको थोड़े से बहुत IQO के साथ सिक्योरिटी इश्यूज देखने को मिलते हैं, लेकिन अपडेट्स के मामले में मुझे अब तक कुछ प्रॉब्लम नहीं लगी है। इसमें अभी एंड्रॉइड का सिक्योरिटी पैच लेवल डला हुआ है और ये हर मंथ पुश करते जा रहे हैं। हाँ, कुछ अनवॉन्टेड ऐप आपको देखने को मिलेंगे फोन को अनलॉक करने के साथ, लेकिन आप उनको अपनी मौज के हिसाब से अनइंस्टॉल कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और वो आजकल सारी कंपनियां ही कर रही हैं जिनको एक्स्ट्रा बेनिफिट कमाने होते हैं और जो कम प्राइस में हमको फोन प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है कैमरा। यहाँ पे आपको ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है, और जो इसकी प्लेसमेंट है कैमरा की वो काफ़ी मॉडर्न लुक प्रोवाइड करती है। यहाँ पे प्राइमरी कैमरा जो है वो 64MP का है, उसके बाद 8MP का अल्ट्रा वाइड है, उसके बाद 2MP का मैक्रो सेंसर आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे इसकी जो क्वालिटी है कैमरा की वो एटलीस्ट जिस प्राइस में मुझे मिला है ना वहाँ पे अबव एवरेज में बोलूंगा, और जिस प्राइस में आता है वहाँ पे आपको एवरेज देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको I2 बॉडी फोकस देखने को मिल जाता है, कुछ फोटोज मैंने ली हैं, यहाँ पे नाइट शॉट्स भी हैं, नॉर्मल डे शॉट्स भी हैं, सारे ही मुझे लगता है कि काफी अच्छा है, परफॉर्म कर जाता है। तो यही है कहानी इसी IQO Z3 5G की। जो मुझे मेजर कमी लगी वो हमने पूरी इसकी कर दी है, और ये डेफिनेटली बहुत ही कमाल की लग रही है, और ये जो फोन है वो वर्थ है। मैंने इसको कैसे खरीदा, यहाँ पे मेरे पास एक ऑलरेडी फोन था जिसको मैंने सेल में एक्सचेंज किया है, 1500 रुपए का डायरेक्ट ऑफ देखने को मिल रहा था, 15,500 का वो कार्ड लगाने के बाद हो चुका था, और 6,000 मुझे अपने पुराने फोन की वैल्यू मिल गई, जो फोन बिल्कुल रद्दी हो चुका था। रियलमी U1 की मैं बात कर रहा हूँ, मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था वो फोन। तो ये फोन मुझे लगता है वर्थ है डेफिनेटली 15,000 रुपए की प्राइस रेंज में लेना, और अगर आपको कोई सेल देखने को मिलता है जिसमें ये 15,000 में देखने को मिले उसमें डेफिनेटली आप इसको परचेस कर सकते हो। और अगर आपको ये स्कीन्स वगैरह ट्राई करनी है, आपको ये अच्छी लग रही है, तो डेफिनेटली आप नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है वहां पे जाके चेकआउट करो, आपको बहुत ही कमाल एक्सपीरियंस मिलेगा। तो बस यार आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब। एज यूजुअल हैव अ फैंटास्टिक डे, और मैं मिलूंगा आपसे अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।